इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो के लिए डीपीआर सर्वे शुरू हो गया है। सिंहस्थ में मेट्रो चलाने की तैयारी तेज हो गई है। डीएमआरसी की टीम ने रूट का मुआयना भी किया है। तो इंदौर लवकुश चौराहे से उज्जैन महाकाल तक के रूट का निरीक्षण किया गया और ये बड़ी अपडेट कि अब उज्जैन और इंदौर के बीच मेट्रो के लिए डीपीआर सर्वे शुरू कर दिया गया है। तो अब इंदौर को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, इंदौर और उज्जैन दोनों को बड़ी सौगात। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। पुनीत, एक बड़ी सौगात मिलेगी इंदौर उज्जैन को और अब जो है डीपीआर सर्वे शुरू कर दिया गया है। सिंहस्थ में मेट्रो चलाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सीएस 2028 के लिए यह तैयारियां की जा रही है और इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम इंदौर आ चुकी है, जो कि लवकुश चौराहे से लेकर महाकाल मंदिर तक का सर्वे कर चुकी है। तो अब जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। देखिए, जो लवकुश चौराहा है वहाँ से ऑलरेडी एक मेट्रो लाइन निकल रही है जो कि इंदौर की लाइन बन चुकी है, उसी जगह से नया जंक्शन बनेगा और वहाँ से उज्जैन के लिए रोड निकलेगा, रूट निकलेगा जो कि सावेर रोड कहलाता है, इंदौर उज्जैन रोड कहलाता है। इसी रोड को पहले ही 8 लेन करने की योजना बनाई जा चुकी है, काम शुरू हो चुका है। तो सीएस 2028 में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि नियर बाई एयरपोर्ट इंदौर है, एयरपोर्ट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी सीधे उज्जैन मेट्रो से पहुँच सकते हैं, क्योंकि इंदौर एयरपोर्ट के बाहर से ही मेट्रो स्टार्ट हो रही है। तो एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। पिछले दिनों इंदौर का मेट्रो रूट चेंज करने को लेकर जो बहस छिड़ी थी, उसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो बैठक की थी उसमें यह योजना बनाई गई थी कि इंदौर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा उज्जैन और पीथमपुर तक। तो अब उज्जैन का डीपीआर सर्वे शुरू हो चुका है।